मैंने मॉम को बचपन से काम करते हुए देखा है और हर केस में कोई ना कोई लूपहोल तो होता ही है। भैया, आप तो बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं, किसी के पास कोई ना कोई तरीका तो होगा। मैं क्या करूँगी देखा, इस मिठाई ने हम सबको ऐसा फंसा है कि ऐसा लगता है कसम खाली हम सबको बर्बाद करने की। कुछ तो तोड़ होगा ना। जज साहब पधार रहे हैं। सिड कहाँ है? और वो इडियट मिठाई? आज तो कोर्ट में बाहुजी और अम्मा भी आने वाले हैं। केस नंबर 4201 सिद्धार्थ चौबे वर्सेस स्टेट। जैसा कि पिछली पेशी में तय हुआ था, आज कथित आरोपी सिद्धार्थ चौबे को मिठाई के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई के सबूत को कोर्ट के सामने पेश करना था। 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, कार्यवाही शुरू की जाए। एडवोकेट उपाध्याय, कहाँ है सिद्धार्थ चौबे और मिठाई गोसाई? कोर्ट में देरी से आना कोर्ट का अपमान करना है। आई एम सॉरी योर ऑनर, वो लोग आते ही होंगे। माय लॉर्ड, वो लोग आते ही होंगे का क्या मतलब है? इन लोगों ने अदालत को बच्चों का खेल समझा है। मेरे काबिल दोस्त बताया है कि क्या वो लोग भाग चुके हैं। अगर सिद्धार्थ और मिठाई फरार होते हैं तो अदालत उनके खिलाफ नोटिस जारी करेगी और फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। एडवोकेट श्रीमती उपाध्याय, अदालत का कीमती समय गंवाने के लिए आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। माफी चाहूंगा जज साहब। मैं हरिमोहन चौबे, चौबे परिवार को मुखिया और सिद्धार्थ को दादा, 48 घंटा की मोहलत पूरी हुई, ये रहे सबूत। आ जाओ सिद्धार्थ, मिठाई। सोचा ही नहीं था। बेटा मिठाई, तेरे सोचो या ना सोचो कोई ना मालूम, पर बेटा कोर्ट के सामने तो तेरा बयान सच है ना। और अगर अब तू चाहे कि तेरा भी बयान रह जाए और सिद्धार्थ भी रिहा जाए, तो फिर शादी के अलावा और कोई चारा ना है। हाँ, मेरी माने तो शादी कर ले सिद्धार्थ। हाँ, और सुन सुन भाई, से पहले अगर ये शादी ना है भाई ना, तो हम तीनन को जेल जाए वैसे कोई ना रोक पाएगा। हाँ, माफ करिए जज साहब, इन दोनों की शादी रजिस्टर करवाए में थोड़ा वक्त लग गया। ये रहे पेपर और ये रहे सबूत।